Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 4. Today we are going to start with chapter number 14 and the name of the chapter is Water and Mineral Resources. So water covers about 3/4 of the earth's surface. So as you know that on our earth water takes 3/4 portion. Water in oceans and sea is saline and we cannot use it directly. So जो भी water ocean और sea में होता है वो saline है, means salty है, जिसे हम directly use नहीं कर सकते. Other water bodies are rivers, lakes, ponds, etc. दूसरी water bodies हैं जिनके water को हम use कर सकते हैं, वो हैं rivers, lakes, ponds, etc. These bodies have fresh water. और ये जो bodies हैं इनमें जो water होता है वो fresh water है. The chief source of fresh water on the earth is rainfall. So, earth पे जो chief source है fresh water का वो है rainfall. The rain water is accumulated on the mountain top and in rivers. So, ये जो rain water है ये accumulate हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है माउंटेन टॉप पे, मीन्स माउंटेन के ऊपर, एंड इन रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड. और रिवर, लेक एंड पॉन्ड में माउंटेन टॉप पे कैसे इकट्ठा होता है? इन द फॉर्म ऑफ आइस. सम वाटर ऑल्सो सीप्स इन टू द ग्राउंड एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर. कुछ पानी जो है ग्राउंड में चला जाता है और उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. वी कैन यूज दिस ग्राउंड वाटर बाई डिगिंग वेल्स, ट्यूब वेल्स, एक्सेट्रा. और इस ग्राउंड वाटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? वेल्स बना के, ट्यूबवेल्स बना के इस ग्राउंड वाटर को हम बाहर निकाल सकते हैं. वाटर इन रिवर, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा इज सरफेस वाटर. ये जो वाटर है रिवर, लेक, पॉन्ड, बाकी जगहों पे, इन्हें हम सरफेस वाटर कहते हैं. नीड ऑफ वाटर, वॉट इज द नीड ऑफ वाटर? वाटर इज़ नीडेड फॉर थ्री मेन पर्पजेज. वाटर तीन चीज़ों के लिए चाहिए. किन किन चीज़ों के लिए? फॉर डोमेस्टिक पर्पज, अपने रोज के कामों के लिए, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, एग्रीकल्चर के कामों के लिए, एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, और इंडस्ट्रीज में जो काम होते हैं उनके लिए. तो ये तीन चीज़ें हैं जिनके लिए हमें वाटर की बहुत ज़रूरत है. एट होम वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, एक्सेट्रा. तो घर पे हम इन सारे कामों में लाते हैं वाटर को. इन एग्रीकल्चर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पे क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है. एंड इन इंडस्ट्रीज वाटर इज नीडेड फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस. और इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो वाटर अलग अलग चीज़ों के लिए चाहिए होता है. जैसे वॉशिंग के लिए, मिक्सिंग इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में मिक्स करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वाटर की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज़ में. या यू कैन सी द एग्रीकल्चरल यूज़, डोमेस्टिक यूज़, क्लीनिंग द वेजिटेबल्स एंड इंडस्ट्रियल यूज़. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. इरीगेशन इज एन इम्पॉर्टेंट नीड. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फॉर दिस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड. और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. द टू वाटर द क्रॉप्स देन देयर आर डिफरेंट मीन्स. द इम्पॉर्टेंट वंस बींग द फॉलोइंग. तो वाटर करना मीन्स क्रॉप में पानी डालने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं. उनमें से कुछ नीचे दिए गए. द फर्स्ट वन इज वेल एंड ट्यूब वेल. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वेल. सो ऐसे वेल बना के उसमें से वाटर को यूज किया जा सकता है फॉर इरिगेशन पर्पस. सो वी गेट अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर. सो रेन वाटर जब जो है आता है नीचे और वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, इसे ही हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. और ये ग्राउंड वाटर ही वेल्स और ट्यूब वेल्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है. द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल. और ग्राउंड वाटर का एक लेवल होता है जहाँ तक वो इकट्ठा होता है, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं. अ वेल इज अ होल इन द ग्राउंड. वेल एक होल होता है जो काफ़ी डीप होता है ग्राउंड में.
फ्रॉम वेयर वाटर इज ड्रॉन, जहाँ जिस वाटर टेबल तक इस वेल को ड्रॉ किया जाता है, इस वेल को बनाया जाता है जहाँ से पानी को निकाला जा सके। यूजिंग अ रोप, एक रोप की जरूरत होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बकेट है, रोप है, तो इस रोप की जरूरत होती है। अ पर्शियन व्हील इज यूज और एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज फॉर ड्रॉइंग आउट द वाटर। यू कैन सी वेल इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में ऐसे वेल्स देख सकते हैं। इन दीज स्टेट्स द सॉइल इज सॉफ्ट, सो वेल कैन बी डग ईजली। ऐसी जगहों पे सॉइल काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो वेल को काफ़ी अच्छे से डिग किया जा सकता है। एट प्रेजेंट ग्राउंड वाटर इज बींग यूज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। आज के टाइम में ग्राउंड वाटर को काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है। सो द वाटर टेबल हैज़ फॉलन, इसलिए जो वाटर टेबल है ये नीचे हो गया। मीन्स वाटर का लेवल, अगर ग्राउंड वाटर में इतना था तो अब वो लेवल नीचे चला गया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ किया जा रहा है ग्राउंड वाटर। अ ट्यूबवेल इज बोर्ड इन टू द ग्राउंड टू ड्रॉ वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और एक ट्यूबवेल क्या होता है? ट्यूबवेल एक ट्यूबवेल को बोर किया जाता है ग्राउंड के अंदर, जैसे वेल्स बनाए जाते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर से वर्क करता है, जिससे ये क्या करता है, पानी को ग्राउंड के अंदर से बाहर निकालता है। नेक्स्ट इज टैंक्स एंड पॉन्ड्स। इन प्लेसेस वेयर अ वेल कैन नॉट बी डग, रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस। सो ऐसी जगह जहाँ पे वेल्स नहीं बन पाते हैं, ऐसी जगहों पे क्या होता है, टैंक्स बनाए जाते हैं, पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, ताकि इरिगेशन का काम इजीली हो सके। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पॉन्ड। अ टैंक और पॉन्ड इज लाइक अ लार्ज पिट इन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में एक लार्ज पिट जैसा होता है, एक लार्ज एरिया जैसा होता है। हियर यू कैन सी वी कैन फाइंड टैंक्स इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ऐसे पॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज रिवर्स एंड कैनल्स। There are a large number of rivers in India. They are an important means of irrigation. There are places where river water can be supplied directly, so canals have been dug from river. A number of canals have been dug in North India. So, एक river क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा amount में आपको देखने को मिलेगा यहाँ India में, और ये काफ़ी अच्छा means है किस चीज़ का, irrigation का। अब कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ये रेन रिवर जो है, पानी जो है डायरेक्टली सप्लाई करती हैं, तो क्या होता है, ऐसी जगहों पे कैनल्स बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो रिवर से ही कैनल निकाले जाते हैं, और वो कैनल्स क्या करते हैं, वो जो है कैनल जो है वाटर सप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। तो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में आप ऐसे कैनल्स देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैनल्स इन इंडिया, तो आप देख सकते हो कुछ कैनल्स के नेम हैं। फर्स्ट इज इंदिरा गांधी कैनल, लोअर गंगा कैनल, अपर बारी दोआब, शारदा कैनल, भाकरा कैनल, अपर गंगा कैनल, वेस्टर्न यमुना कैनल, आगरा कैनल एंड सिरहिंद कैनल। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कैनल। कैनल कैसा दिखता है, ये यू कैन सी। नेक्स्ट इज डैम्स। अ डैम इज अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। इट क्रिएट्स अ लार्ज रिजर्वॉयर और लेक ऑफ वाटर। दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड अ डैम इज ऑल्सो कॉल्ड अ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। सो चिल्ड्रेन, जो दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डैम। डैम क्या है, एक वॉल है। आप देख सकते हो यहाँ पर रिवर है इस एरिया में, और उसके सामने एक वॉल बना दी जाती है ऐसी, और वॉल में आप देख सकते हो स्मॉल ओपनिंग है, जिससे क्या होगा, रिवर का बॉडी जो वाटर है वो एक कंट्रोल फॉर्म में दूसरी तरफ आके गिरता है। सो दिस इज हाउ डैम्स आर मेड। सो दीज आर हेल्प इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर को अच्छे से रेगुलेट करते हैं, फ्लो करने में एकदम से बहुत सारा पानी नहीं आता है। जितने इनके आप देख सकते हो, जितने ये डोर्स खोले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही पानी इसमें से आता है।
ओके अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये इरिगेशन में तो काम करते हैं, साथ के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का भी काम करते हैं। कैसे? जब इतनी ऊंचाई से पानी बहुत ही स्पीड से नीचे गिरता है तो क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर सकते हैं। डैम को इसीलिए मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। फॉर इरीगेशन कैनल्स आर डग फ्रॉम द डैम टू डिफरेंट एरिया। इरीगेशन के लिए ये जो कैनल्स हैं इन्हें जो है डग किया जाता है डैम से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज फॉलन फ्रॉम अ ग्रेट वाटर इज फॉलन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट इन टू ऑन द जनरेटर्स विच रोटेट देम। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि वाटर को गिराया जाता है काफ़ी ऊँचाई से, और ये जो वाटर है कहाँ गिरते हैं, ऑन द जनरेटर्स, उन जनरेटर्स पे गिरते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन जनरेटर्स पे गिरते हैं जो रोटेट करते हैं और जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं? पहला है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट विच इज़ ऑन सतलज रिवर। नेक्स्ट इज कोसी प्रोजेक्ट विच इज़ इन सप्तकोशी रिवर। नेक्स्ट इज नागार्जुन सागर ऑन कृष्णा रिवर। फरक्का प्रोजेक्ट ऑन गंगा रिवर। चंबल प्रोजेक्ट ऑन चंबल रिवर। तुंगभद्र प्रोजेक्ट ऑन तुंगभद्र रिवर। हीराकुंड प्रोजेक्ट ऑन महानदी। रिहन प्रोजेक्ट ऑन रिहन रिवर। बीज प्रोजेक्ट ऑन बीज रिवर। दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन दामोदर रिवर। एंड गंदक प्रोजेक्ट ऑन गंदक रिवर। सो दीज आर द मल्टी पर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सो एज यू नो दैट वाटर इज सो मच एसेंशियल फॉर अस, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग एंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। सो वी शुड कंजर्व वाटर। हाउ कैन वी डू दैट? लेट्स रीड। वी नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज। केयरफुल एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। सो वाटर को बहुत ही अच्छे से केयरफुल यूज करने को ही हम वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। एज देयर इज अ लिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, वी हैव टू बी केयरफुल। क्योंकि भले ही हमारा अर्थ 3/4 वाटर से कवर है, लेकिन फिर भी इसका एक लिटिल अमाउंट ही हम यूज कर सकते हैं। फ्रेश वाटर एक काफ़ी कम अमाउंट में है, तो क्योंकि ये अमाउंट काफ़ी कम है, लिमिटेड क्वांटिटी है हमारे पास, तो हमें इसे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। इफ़ वी यूज़ इट इनडिस्क्रिमिनेटली इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू हैव क्लीन वाटर फॉर आस इन फ्यूचर। अगर हम इसे ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में हमारे पास बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा जिसे हम यूज़ कर सकें। There is already a shortage of drinking water at many places in our country. बहुत सारी जगह है हमारी कंट्री में जहाँ पे अभी भी आपको देखने को मिल सकता है shortage of water, means shortage of drinking water, पानी की, पीने वाले पानी की काफ़ी कमी दिखेगी। We have to be wise if we don't want this problem to become great. सो अगर हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम आगे ज़्यादा ना बढ़े तो हमें केयरफुल होना पड़ेगा। एवरीबॉडी मस्ट कंजर्व वाटर इन एवरी वे दैट कैन बी पॉसिबल। हर किसी को हर वो तरीका अपनाना चाहिए जिससे वो पानी को कंजर्व कर सके। लेट्स लर्न अबाउट मिनरल रिसोर्सेज। व्हाट आर मिनरल रिसोर्सेज? हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। एज मिनरल इज द नेचुरल सब्सटेंस दैट इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। सो मिनरल्स क्या है? ये नेचुरल सब्सटेंस हैं, नेचुरली बनते हैं और ये अर्थ के अंदर से निकलते हैं। सो मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय द नेचुरल फोर्सेस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और इन्हें बनने में हजारों साल लग जाते हैं। हजारों साल मींस अर्थ के अंदर काफ़ी हजारों सालों तक बीतते हैं, उसके बाद जाके मिनरल्स बनते हैं। कौन कौन से मिनरल्स हैं? कोल, आयरन, कॉपर, माइका, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। सो देर आर मैनी मिनरल्स जो अर्थ के अंदर से हमें मिलते हैं। टू गेट दीज मिनरल्स द अर्थ इज डग आउट। इन मिनरल्स को निकालने के लिए क्या किया जाता है? अर्थ को डिग किया जाता है। दिस प्लेस इज नोन एज माइन। और ऐसी जगह जहाँ पे मिनरल्स भरपूर मात्रा में हैं
वहाँ पे जब मिनरल्स को डिग किया जाता है तो ऐसी जगहों को माइन कहा जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मिनरल्स इज कॉल्ड माइनिंग. और इस पूरे प्रोसेस को, मिनरल निकालने के पूरे प्रोसेस को, डिगिंग एंड फाइंडिंग आउट द मिनरल, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग. इस पूरे प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है. When a mineral is mined, it is not in its pure form. जब मिनरल को माइन किया जाता है तो ये अपने प्योर फॉर्म में नहीं होता है. सम इम्प्योरिटीज़ आर मिक्स्ड इन इट. इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं. इट इज़ कॉल्ड मिनरल ओर. तो ये अपने जब प्योर फॉर्म में होता है, जब इसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, जब अपने प्राइम फॉर्म में होता है तो क्या होता है, इसे हम मिनरल ओर कहते हैं. इट हैज़ टू बी प्योरीफाइड. फिर इस मिनरल ओर को हमें प्योरीफाई करना होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग. और इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है, जब मिनरल ओर को हम प्योरीफाई करते हैं. मिनरल्स आर फाउंड मिक्स विथ रॉक्स. मिनरल जो है रॉक्स के साथ मिक्स होते हैं. बहुत सारे अदर चीज़ें भी मिक्स होती हैं उसमें, तो उन सबको अलग करना होता है. दे कैन बी ग्रुप्ड इंटू टू टाइप्स, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. सो मिनरल्स को टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. फर्स्ट वन इज मेटालिक मिनरल्स. अ मेटालिक मिनरल हैज मेटल कंटेंट इन इट. मेटालिक मिनरल जो होता है उसके अंदर मेटल कंटेंट आपको मिलता है. इट इज नॉर्मली सॉलिड. ये नॉर्मली सॉलिड होता है, हार्ड होता है और हैवी होता है. इट कैन बी बीटन इनटू अ शेप दैट इज इट कैन बी मेड इनटू अ वायर शीट टूल मशीन ऑर्नामेंट एक्सेट्रा. तो ये जो मिनरल है जो हार्ड है, इसे जो है हम सॉलिड होता है, हार्ड और हैवी होता है, इसे हम बीट करके डिफरेंट शेप्स में डाल सकते हैं. चाहे वो वायर बना दे उसका, चाहे शीट्स बना दे एक पूरी, चाहे कोई टूल बना दे, मशीन बना दे, या फिर कोई ना कोई ऑर्नामेंट या फिर गहना बना दे. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स आर आयरन, कॉपर, टिन, जिंक, बॉक्साइट, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा. तो कुछ मेटालिक मिनरल्स के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं. फर्स्ट इज आयरन. आयरन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल मिनरल्स. आयरन मीन्स लोहा. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, इंजन्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा. सो आयरन का काफ़ी यूज़ है, ये सारी चीज़ें बनाने के काम आता है. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर. इंडिया जो है 9th नंबर पे आता है, 9th इसकी पोजीशन है आयरन ओर प्रोड्यूस करने में. इट इज़ मेनली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ. अब कौन कौन सी जगहों पे आयरन ओर मिलता है, वो हैं झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड गोवा. सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे ये आयरन ओर आपको मिलता है. आयरन ओर इज रिफाइंड इन आयरन एंड स्टील प्लांट्स. आयरन ओर आपको आयरन और स्टील प्लांट से मिलेगा. इंडिया एक्सपोर्ट्स आयरन टू मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान. इंडिया क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है आयरन को बहुत सारी कंट्रीज को, और उनमें से एक है जापान. द सी पोर्ट एट पारादीप, वेंकटेश, विशाखापट्टनम एंड मारमेगांव आर यूज फॉर दिस पर्पस. और ये जो सी पोर्ट्स हैं, ये आयरन ओर को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल हैं. इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया आर लोकेटेड एट. बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील के प्लांट्स हैं आपको इंडिया में दिखेंगे. पहला है भिलाई विच इज़ इन छत्तीसगढ़, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, सालेम इन तमिलनाडु, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर एंड बोकारो इन झारखंड, राउरकेला इन ओडिशा एंड भद्रावती इन कर्नाटका. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और प्लांट्स. नाउ द नेक्स्ट इज कॉपर. कॉपर इज़ अ सॉफ्ट मेटल. कॉपर एक सॉफ्ट मेटल है, जिसे आप तांबा भी कहते हैं. इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी अच्छे से पास हो जाती है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के काम आता है ये. यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन बनाने के काम आता है, और टूल्स बनाने के काम आता है. इट इज़ मेनली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, राजस्थान, बिहार एंड आंध्र प्रदेश.
ये आपको झारखंड, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मिलेगा. नेक्स्ट इज मैंगनीज. मैंगनीज इज यूज टू हार्डन आयरन एंड स्टील. अब आयरन स्टील काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसको हार्ड करने के लिए मैंगनीज की काफ़ी ज़रूरत होती है. इंडिया इज द लास्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट. इट इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एक्सेट्रा. सो ये जो इंडिया है काफ़ी बड़ी प्रोड्यूसर मैंगनीज की, और ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है. इट इज़ यूज इन केमिकल, स्टील एंड ग्लास इंडस्ट्री. मैंगनीज को केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. फ्रॉम बॉक्साइट एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड. सो बॉक्साइट है एक दूसरा मिनरल जिसके अंदर से एल्युमिनियम निकाला जाता है. विथ विच यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड एरोप्लेन्स आर मेड, जिससे ये सारी चीज़ें बनती हैं. इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट. इंडिया में बॉक्साइट के काफ़ी बड़े बड़े रिजर्व्स हैं. इट इज़ मेनली फाउंड इन राजस्थान एंड बिहार, और ये आपको ज़्यादातर राजस्थान और बिहार में मिलेगा. इन एडिशन टू द अबव, सम अदर इम्पॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल्स फाउंड इन इंडिया आर गोल्ड, सिल्वर, लेड एंड जिंक. सो अब इन सारे मिनरल्स के अलावा जो हमने ऊपर पढ़े, इनके अलावा कुछ दूसरे मिनरल्स हैं, वो है गोल्ड, सिल्वर, जिंक और लेड. तो ये भी आपको इंडिया में काफ़ी अमाउंट में मिलेगा. दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अ लार्ज क्वान्टिटी. लेकिन ये जो है इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है ज़्यादा क्वान्टिटी में. वी हैव टू इम्पोर्ट देम टू मीट आवर नीड्स. हमें इन मिनरल्स को ख़रीदना पड़ता है बाहर से हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए. द रत्नागिरी फील्ड विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, कोलर एंड होल्टी इन कर्नाटका आर द इम्पॉर्टेंट गोल्ड माइन्स. तो यहाँ पे कुछ गोल्ड माइन्स हैं जो इंडिया में हैं. सो ये काफ़ी कम अमाउंट में है, तो इसीलिए हमें अपने जो नीड्स हैं गोल्ड की, उसे पूरा करने के लिए बाहर से इम्पोर्ट भी करना पड़ता है. नेक्स्ट, दीज ऑल वर द मेटालिक मिनरल्स जो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के. नाउ वी विल लर्न अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल्स. अब नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या है वो पढ़ते हैं. इम्पॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, सल्फर, फॉस्फरस, सॉल्ट, माइका, जिप्सम, डायमंड, लाइमस्टोन एक्सेट्रा. सो दीज आर द नॉन मेटालिक मिनरल्स. यूरेनियम एंड थ्रोमियम आर ऑल्सो इंक्लूडेड अमंग नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड आर कॉल्ड अटोमिक मिनरल्स. सो ये दो और नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं जिन्हें हम अटोमिक मिनरल्स भी कहते हैं. ये अटोमिक यूज़ में आते हैं. पन्ना, छतरपुर एंड साथा विच इज़ इन मध्य प्रदेश आर सम, एंड सम पार्ट्स ऑफ बांडा विच इज़ इन यूपी आर द डायमंड प्रोड्यूसिंग एरियाज. सो ये एरियाज हैं जो डायमंड को प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट मिनरल इज कोल विच इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटेलिक मिनरल. कोल इज कॉल्ड एज ब्लैक डायमंड. कोल को ब्लैक डायमंड कहा जाता है. कोल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी. हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कोल को जलाया जाता है. इन हाउसेज इट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. घरों में इसे कुकिंग और हीटिंग के काम में लाया जाता है. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ कॉल्ड. तो इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल एंड इट इज़ चीफली माइंड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, रानीगंज, जरिया, बोकारो, करमपुरा, कोरबा एक्सेट्रा. सो ये सारी जगह है इंडिया में जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कोल मिल सकता है. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मिनरल. सो जितने भी मिनरल्स हैं उनमें से सबसे हार्डेस्ट मिनरल है डायमंड. And thermal electricity is produced from coal. What is the name of electricity produced from falling water in dams? तो अभी हमने पढ़ा था कि coal से produce होने वाली electricity को हम thermal electricity कहते हैं, लेकिन dams से produce होने वाली electricity को क्या कहते हैं? So you have to tell the answer. We have read this in previous pages. Mineral oil or petroleum is refined to make fuels like petrol, diesel, kerosene oil, कुकिंग गैस एक्सेट्रा. सो मिनरल ऑयल या फिर पेट्रोलियम को इन सारे कामों में लिया जाता है. इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल वेल्स. सो जैसे हमने अभी पानी के वेल्स की बात करी थी, वैसे ही ऑयल वेल्स में से इन मिनरल्स को, मिनरल ऑयल को निकाला जाता है. दीज ऑयल्स
these oil wells are located in Assam, Gujarat and Maharashtra. ये ऑयल वेल्स आपको इन जगहों पे मिलेंगे. मिनरल ऑयल इज रिफाइंड इनटू ऑयल रिफाइनरीज. इस मिनरल ऑयल को रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज में. इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल और लिक्विड गोल्ड. इसे क्रूड ऑयल या फिर लिक्विड गोल्ड कहा जाता है. इम्पॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया आर लोकेटेड एट. तो इंडिया में कुछ जगह हैं जहाँ पे ये ऑयल रिफाइनरीज हैं. उनके नेम है मुंबई महाराष्ट्र, कोची इन केरल, मथुरा उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी आसाम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, बड़ौदा गुजरात, हल्दिया वेस्ट बंगाल, पानीपत हरियाणा एंड बरौनी बिहार. सो दीज आर द प्लेसेस वेयर दीज ऑयल रिफाइनरीज आर. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ऑयल रिफाइनरी. नेक्स्ट मिनरल इज माइका. माइका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड मेडिसिंस. सो मेडिसिंस और इलेक्ट्रिकल गुड्स में माइका यूज़ किया जाता है. इंडिया प्रोड्यूसेस 60% माइका इन द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन उसका 60% जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है एंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका. और इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का. इट इज़ चीफली प्रोड्यूस इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड राजस्थान. ये आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में प्रोड्यूस किया जाता है. नेक्स्ट इज सॉल्ट. सॉल्ट इज ऑल्सो मिनरल. इट इज़ मेड फ्रॉम सी वाटर. ये सी वाटर से बनाया जाता है. इट इज़ चीफली प्रोड्यूस इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु. और गुजरात और तमिलनाडु में सॉल्ट बनाने का काम किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन द सांबर लेक इन राजस्थान. सो राजस्थान में एक सांबर लेक है, वहाँ प्रोड्यूस किया जाता है. इन हिमाचल प्रदेश इट इज़ प्रोक्योर्ड फ्रॉम रॉक्स. और हिमाचल प्रदेश में इसे रॉक्स से निकाला जाता है. नेक्स्ट इज लाइमस्टोन. इट इज़ चीफली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड बिहार. तो इन जगहों पे आपको लाइमस्टोन इजीली अवेलेबल मिलेगा. लाइमस्टोन इज़ यूज फॉर मेकिंग सीमेंट एंड मॉर्टर. सो सीमेंट और मॉर्टर बनाने के काम आता है लाइमस्टोन. नेक्स्ट इज जिप्सम. जिप्सम इज यूज इन फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट्स एंड राजस्थान इज द चीफ प्रोड्यूसर. सो फर्टिलाइजर सीमेंट में जिप्सम का यूज़ किया जाता है एंड ज़्यादातर आपको ये जो है राजस्थान है इसका चीफ प्रोड्यूसर. नेक्स्ट इज एटॉमिक मिनरल. सो थ्रोमियम एंड यूरेनियम आर यूज एज सोर्सेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी. अभी हमने पढ़ा था कि ये दोनों जो है एटॉमिक एनर्जी के काम आते हैं, सोर्सेज हैं एटॉमिक एनर्जी के. थ्रोमियम इज फाउंड इन केरल वाइल यूरेनियम इज फाउंड इन बिहार. सो थ्रोमियम आपको केरल में मिलेगा और यूरेनियम आपको बिहार और राजस्थान में मिलेगा. सो यू कैन से एटम बॉम्ब्स वगैरह बनाने के काम या फिर ऐसे साइंटिफिक चीज़ों के काम में आता है एटॉमिक मिनरल. नाउ हाउ कैन वी कंजर्व द मिनरल्स. मिनरल्स टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हज़ारों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं मिनरल्स को बनने में. सो दे शुड दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसलिए ये रिन्यू नहीं हो सकते, इसे फिर से बनने में हज़ारों साल लगेंगे. तो जो भी मिनरल्स है उसे हमें बहुत ही वाइजली यूज़ करना है. इफ़ वी यूज़ एम थॉटलेसली, अगर हम इन्हें बिना सोचे समझे यूज़ करते रहेंगे, दे विल बी फिनिश्ड. ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे. सो वी मस्ट कंजर्व देम. यूज़ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस पर्पज. तो हमें इन मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए. और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ यूज़ अ बाइसिकल इन प्लेस ऑफ कार एंड मोटरसाइकिल व्हेन पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो आप कार या मोटरसाइकिल की जगह बाइसिकल यूज़ करें तो क्या होगा, पेट्रोल विल बी सेव्ड. नो डू नॉट डिस्कार्ड अ थिंग दैट इज स्टिल यूजेबल एंड यूजफुल. ऐसी चीज़ों को ना फेंकें जो अभी भी आप यूज़ कर सकते हैं. फॉलो द आर्स reduce, reuse and recycle. So these are the three R's जिसे हमें हमेशा follow करना चाहिए. हमें reduce करना चाहिए means कूड़ा कम से कम फैलाना चाहिए. reuse करना चाहिए अगर किसी चीज़ को हम फिर से use कर सकते हैं तो उसे use करना चाहिए. और recycle means अगर कोई चीज़ पूरी तरह से ख़राब हो गई है, वह बिल्कुल भी use नहीं हो सकती, तो उसे recycle करें ताकि एक नया product बन सके, ऐसे ही कूड़े में ना फेंकें. Next one is use alternatives. For example, thermal electricity can be replaced with hydro electricity. तो हम क्या कर सकते हैं, alternatives use कर सकते हैं. अब thermal electricity कैसे produce होता है, coal से. कोयला हम जितना ज़्यादा जलाएंगे तो क्या होगा, thermal electricity जो है
जनरेट तो होगी पर कोयला धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और उसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की जगह हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पानी तो ख़त्म होता ही नहीं है। विंड एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। सो दीज आर द पॉइंट्स वी शुड कीप इन माइंड एंड बाय दिस वी कैन कंजर्व द मिनरल्स। नाउ लेट्स रिवाइज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। वाटर इज फाउंड इन स्मॉल एंड बिग वाटर बॉडीज। द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, रिवर, कैनल्स एंड डैम्स। Dams are multi-purpose projects to generate electricity and provide water for irrigation. We have to use water wisely if we do want it to be available to us in future. Minerals are mined out from the earth. Minerals can be classified as metallic mineral and non-metallic minerals. It is essential to conserve minerals. So these were the important facts. Now let's move on to book exercise. So children, the A exercise is take the right option. First question is the water in ocean and sea is water. जो ocean और sea में है वो कैसा है? Saline fresh water है या ग्राउंड वाटर है? So it is saline, salty है वो. Canals are dug from river, dam or both of these. So canals जो हैं river से बनाए जाते हैं. Aeroplanes are made from aluminium which is extracted from aluminium. कहाँ से निकाला जाता है? Coal, iron ore या फिर bauxite से? So it's bauxite. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होता है? आयरन से, कोल से या थ्रोमियम से? सो इट इज कोल। नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस। द चीफ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज रेनफॉल। टैंक्स कैन बी फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। India is the world's ninth largest producer of iron ore. So these were the fill-ups. Now let's move on to true or false. So here children, the first question is an agriculture water is needed for irrigation. Yes, this is true. We get underground water through rivers and canals. False. Iron, copper, gold, etc. are non-metallic minerals. False. Metallic minerals are hard, solid and heavy. True. Manganese is used to make steel with iron. True. So children, these were the true or false. And with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.